हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक नए ब्लॉग के साथ हम फिर से वापस आ गए हैं फ्रेंड्स। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 बज चुके हैं। अभी दोपहर नहीं हुई है फिलहाल, तो सुबह के बज गए हैं 11 और पूजा हमारी कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले राधा अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आज है राधा अष्टमी, राधा जी का जन्मदिन है, तो इनका जन्मदिन दिन में ही मनाया जाता है। तो बस पूरी पूजा कंप्लीट हो गई है। बस अब मैं आपको पूरी जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने राधा अष्टमी मनाया। मैं ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाई क्योंकि बाहर बिल्कुल जाना नहीं था, जो भी था घर में ही। कैसे मैंने उनके लिए क्या बनाया और वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप सभी कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और कितने लोग राधाष्टमी पर व्रत रह रहे हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि मैं तो व्रत हूँ, मैं हमेशा रहती हूँ। और बताइए। तो भी बस यही सब हुआ है। पूजा पाठ करके मैंने भोग बनाया, उसके बाद फिर उनको भोग लगाया। और उसके बाद फिर अभी जो है हम बैठे हुए हैं और सब लोग खाना वाना खा चुके हैं, सो रहे हैं। और मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं और आपको भी बता देते हैं। मैंने ना पूजा मैंने पहले कर ली थी, व्लॉग मैं अभी शुरू कर रही हूँ। मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बना दी है तो वो मैं डाल दूँगी, तो आप लोग देख लेना फ्रेंड्स। और पता नहीं ना, क्योंकि पता नहीं क्यों गला में थोड़ा सा दर्द, ऐसा आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, पता नहीं क्या हो गया है कुछ दिनों से। और मैं एक दो वीडियो में जब मैंने वॉइस ओवर दिया तो उसमें भी थोड़ी सी आवाज़ जो है अजीब सी आई है। और बाकी देखते हैं, अभी थोड़ी देर में अगर कुछ बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी फ्रेंड्स। और अभी कुछ प्लान नहीं है बनाने का, मोदक सोचा है बनाने का, तो देखते हैं अगर पूरा सामान घर में हुआ, जो जो मैं चाहती हूँ वो रहा, तो फिर ज़रूर बना दूँगी मोदक। क्योंकि मैं हर साल सोचती हूँ कि इस बार बनाऊँगी और मैं बना नहीं पाती हूँ, तो इस बार तो सोचा ही है बनाने के लिए, तो बनाऊँगी ज़रूर और आप लोग के साथ तो ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि ये मोदक हमारे गणपति को पसंद है और उनका दिन भी चल रहा है, तो वो बनाना तो बनता ही है। तो यही सब करेंगे क्योंकि अभी तो 11 ही बजे हैं, टाइम अभी बहुत बाकी है, तो फिर कुछ ना कुछ काम तो बनता है। तो चलते हैं। और मुझे अभी वीडियो भी अपलोड करनी है, मैंने अभी वीडियो अपलोड नहीं की है तो उसको भी थोड़ा सा काम करना है, तो यही सब काम है। और ये देखो कितना बड़ा बिंदा नंदिनी ने लगा दिया है, टीका लगाया है नंदिनी ने, बहुत ज़्यादा ही बड़ा कर दिया है, तो अच्छा लग रहा है वैसे। और बस गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, तो काम वाम तो चल रहा है छत पे, थोड़ा बहुत काम, मतलब जो काम चल रहा है। और अभी देखते हैं क्या होता है। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय।
गाइस बज चुके हैं दोपहर के दो, और दोपहर के दो नहीं 3:30 बज चुके हैं, और देखिए कितना थक गए हैं। और ये देखो साड़ी मेरी यहाँ पे टंगी हुई है ये वाली। और आज ना मैंने मंदिर का ये झूला जो है निकाल दिया है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाने वाली हूँ, आपको बताऊँगी कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है, और आप सभी बना सकते हो, बहुत ही इजी तरीका है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए दिखाया तो मैंने आपको कई बार है, फिर से दिखा देती हूँ। इस कमरे में फैन चल रहा था तो मुझे लगा था कौन बैठा है। और ना ये देखो मैंने अभी एक बिंदी लगाई है, एक्चुअली ना मैं अभी एक वीडियो शूट कर रही थी तो मैं उसमें ये बिंदी लगाई थी, उसको निकाल देती हूँ। और यहाँ पे इस बैग को मैंने पैक कर दिया है, अब इसमें रखने जा रही हूँ सामान, मैं यही सब कर रही थी। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।